इनका जो हाल है उसके ऊपर कुछ पंक्तियों से बुला रहा हूँ इनको कि यूं तो औरों की आंखों का तारा हूँ, यूं तो औरों की आंखों का तारा हूँ, बस उसकी ही नजरों में नाकारा हूँ। अब उसकी तो पता है ना किसकी नजरों में, तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना। बस उसकी ही नजरों में नाकारा हूँ, और पहले मैं भी काफी चारा रखता था, पहले मैं भी इनकी तरफ से कह रहा हूँ काफी चारा रखता था, शादी करके अब बिल्कुल बेचारा हूँ, और बाहर बाहर से मैं ठंडा दिखता हूँ, भीतर भीतर जलता एक अंगारा हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ भाई मनोज शास्त्री जी को। घर से बाहर एकदम हंसता रहता हूँ, कैसे कह दूँ उसने कितना मारा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, इनका अच्छा सा फोटो आना चाहिए। बहुत बढ़िया। कल्याणी भाई ने मेरा दर्द बयान कर दिया। मैं बेसिकली गज़ल लिखता हूँ, लेकिन इन्होंने जलोटा जी की महिमा का इतना बखान किया कि मैंने सोचा कि मैं भी गज़ल छोड़ देता हूँ और भजन लिखूँ। अब तक हमने गज़ल लिखी है, अब तो यारो भजन लिखेंगे। अब तक हमने गज़ल लिखी है, अब तो यारो भजन लिखेंगे। और भजन में जो शक्ति है ना, तो हनी सिंह के रैप में है, ना डिस्को में है, ना डांडिया में है, ना किसी में। हनी सिंह का रैप क्या करे, डिस्को का स्टेप क्या करे। हनी सिंह का रैप क्या करे, डिस्को का स्टेप क्या करे। फेसबुक व्हाट्सएप क्या करे, दो उम्रों में गैप क्या करे। देख देख गया ये चलन हो गया, दादा जितना सजन हो गया। अब हम देखो चलन लिखेंगे, नया नया ये चलन लिखेंगे, दादा जितना सजन लिखेंगे। अब तक हमने गजल लिखी है, अब तो यारो भजन लिखेंगे। देखो आपको समझ में आए नहीं आए, हंसी आए नहीं, आपको तालियां बजानी है। जलोटा जी की महिमा के बारे में जितने भी शब्द दिए जाएं कम हैं, जितना भी लिखा जाए कम है। अपना ही कुछ भाग है खोटा, जलोटा जी के बहुत भक्त हैं और हमारा कोई नहीं। अपना ही कुछ भाग है खोटा, भगतनियों का है कुछ टोटा। अपना ही कुछ भाग है खोटा, भगतनियों का है कुछ टोटा। और अपने हाथों लगा झुंझुना, झांझरिया ले गया जलोटा। अपने हाथों लगा झुंझुना, झांझरिया ले गया जलोटा। हुई जलोटा से जो हमको दिल में सारी जलन लिखेंगे, और गजल छोड़कर भजन लिखेंगे। अब तक यारों गजल लिखी है, अब तो हम भी भजन लिखेंगे। और अभी दिल्ली के ट्रैफिक के लिए कल्याणी जी ने अपने प्यार के बारे में, अपनी जवानी के दिनों के बारे में लिखा था, जब वो जवान हुआ करते थे। तो ये प्यार में क्या हाल होता है, तो तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ। कई बार विसंगतियाँ होती हैं। तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ, मैं बुद्धि से कंगाल हुआ। तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ, मैं बुद्धि से कंगाल हुआ। डाली से उल्टा लटका, मैं जिंदा ही बेताल हुआ। तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ। मेरी आँखों की नींद उड़ी, मेरी आँखों की नींद उड़ी, मुझे चैन नहीं आराम नहीं। मैं कैसे दुखड़ा बयां करूं, मेरे दर्द का झंडूबाम नहीं। मैं कैसे दुखड़ा बयां करूं, मेरे दर्द का झंडूबाम नहीं। और तेरे प्यार में ऐसी सड़क नहीं जिस सड़क पे ट्रैफिक जाम नहीं। तेरे प्यार में ऐसी सड़क नहीं जिस सड़क पे ट्रैफिक जाम नहीं। और ट्रैफिक जाम हुआ क्लियर तो ट्रैफिक सिग्नल लाल हुआ। तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ। तू मेरे पीछे क्यों आई, अब कल्याणी जी हरियाणा के बारे में जानते, तू मेरे पीछे क्यों आई। तो मेरी भी जो पीड़ा है वो उसी तरह की है। तू मेरे पीछे क्यों आई, हम में हर बात अनकॉमन थी। मैं हरियाणा का छोरा था, तू सोनी कुड़ी पंजाबन थी। तू मेरे पीछे क्यों आई, हम में हर बात अनकॉमन थी। मैं हरियाणा का छोरा था, तू सोनी कुड़ी पंजाबन थी। तेरी फिगर सुराही जैसी थी, मेरी मटके जैसी गर्दन थी।
तेरी फिगर सुराही जैसी थी, मेरी मटके जैसी गर्दन थी, मैं उल्टे तवे सा काड़ा था, तू रंग में बिल्कुल मक्खन थी, मैं उल्टे तवे सा काड़ा था, तू रंग में बिल्कुल मक्खन थी, तो फिर भी मुझ पे रीझ गई, कुदरत का अजब कमाल हुआ, तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ। और मैं भी यूँ सुदबुद भूल गया, मैं भी यूँ सुदबुद भूल गया, जो पागल कुत्ते ने काटा, मेरे भेजे का सब भूसा जैसे दीमक ने हो चाटा, तू गिटपिट हाय बाय वाली मेरी अंग्रेजी से थी टाटा, तू गिटपिट हाय बाय वाली मेरी अंग्रेजी से थी टाटा, और मैं पंचर वाली साइकिल पे तेरा स्कूटी का फर्राटा, मैं पंचर वाली साइकिल पे तेरा स्कूटी का फर्राटा, तू फिर भी मुझ पे रीझ गई, अब देखो ये अजब धमाल हुआ, और तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ, मैं बुद्धि से कंगाल हुआ। और इसी में और दुखड़ा बयां कर देता हूँ कि तू ए प्लस वाली कॉपी थी, मैं मुड़ा थोड़ा सा फर रहा था, तू ए के 56 की गोली, मैं भाई साहब देखो ऐसे नहीं, आप ताली बजाने वाले वैसे ही काम है, आप सेल्फी एल्बम लोगे तो ताली कौन बजाएगा। तू ए प्लस वाली कॉपी थी, मैं मुड़ा थोड़ा सा फर्रा था, तू ए के 56 की गोली, मैं कट्टे का एक छर्रा था, तू ए के 56 की गोली, मैं कट्टे का एक छर्रा था, और तू इंटरनेट सी सुपरफास्ट, तू इंटरनेट सी सुपरफास्ट मेरा चिट्ठी वाला ढर्रा था, तू इंटरनेट सी सुपरफास्ट मेरा चिट्ठी वाला ढर्रा था, और जिसका कोई न हल निकले, मैं ऐसा अजब सवाल हुआ, तेरे प्यार में क्या मेरा हाल हुआ, मैं बुद्धि से कंगाल हुआ। और अगर मंच से इजाज़त हो तो मैं और आगे पेल दूँ जो था, तो किताबी चेहरे पढ़ने का सबको शौक होता है, हमारी उम्र में मतलब यंग लोग जो इस एज में किताबी चेहरे पढ़ने का होता है, तो लेकिन किताबी चेहरे जो अब बदल गए हैं चेहरे की किताब में, यानी फेसबुक में, तो हमने भी फेसबुक से पे किसी से दोस्ती की, तो हमारी फेसबुक की दोस्ती के यूं भरम निकले, हमारी फेसबुक की दोस्ती के यूं भरम निकले, ती प्रोफाइल तो पोती की वो दद्दू मोहतरम निकले, ती प्रोफाइल तो पोती की वो दद्दू मोहतरम निकले। और यहाँ मॉल में डीओ वी तो काफ़ी मिलते होंगे, और खुदा के वास्ते डीओ वी थोड़ा सा लगा जालिम, खुदा के वास्ते डीओ वी थोड़ा सा लगा जालिम, तेरे नज़दीक क्या आऊँ मेरा पहले ही दम निकले, तेरे नज़दीक क्या आऊँ मेरा पहले ही दम निकले। और कल्याणी जी अपना दुखड़ा बयान कर रहे थे कि उन्होंने जो मतलब पूर्व में जो भी हो किसी ने इनका साथ नहीं निभाया, मीटू में नाम नहीं लिया, तो मैं भी उसी पीड़ा से गुजरा हूँ, रही हसरत अधूरी आया ना मीटू में नाम अपना, रही हसरत अधूरी आया ना मीटू में नाम अपना, हंसी चेहरों के मालिक मतलबी और बेरहम निकले, हंसी चेहरों के मालिक मतलबी और बेरहम निकले। और पहले जब इलेक्शन होता था तो बैलेट पेपर पे होता था, तो बैलेट पेपर पे एक बार इंक लग गई तो थोड़ी बहुत इधर उधर तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ से छुड़ाई नहीं जा सकती, तो घुमा था अपना ही ठप्पा है उनके दिल के बैलेट पर, घुमा था अपना ही ठप्पा है उनके दिल के बैलेट पर, और जला बैठे वो बत्ती गैर की वो ईवीएम निकले, जला बैठे बत्ती गैर की वो ईवीएम निकले। और भजन वालों पे आजकल ना दादियों की ताइयों की काफ़ी नज़र है कि बुढ़ाऊ कहीं भजन करने तो नहीं चले गए, पहले होता था, मेरी ताई परेशान हैं, मेरी ताई परेशान हैं, है ताऊ शक के घेरे में, मेरी ताई परेशान है ताऊ शक के घेरे में, भजन करने ना बैठे हों कहाँ लेकर चिलम निकले, भजन करने ना बैठे हों कहाँ लेकर चिलम निकले। और 5-6 साल पहले उज्जवल निकम जी एक वकील हुआ करते थे खबरों में, आज